नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिलाराम चौक स्थित जल संसाधन कार्यालय से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत यह अच्छी शुरुआत हुई है। इलेक्ट्रिक बस से प्रदूषण भी कम होगा और लोगों की यात्रा भी सुलभ होगी। 5 इलेक्ट्रिक बसों को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्मार्ट सिटी में चलने वाली इन बसों में 25 सीटें सामान लोगों के लिए एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्हीलचेयर खड़ी करने के लिए स्थान की सुविधा उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक बस में फ्रंट और रियर एयर सस्पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध है। यह बस वातानुकूलित जिसमें ट्रांसमिशन, ITS डिस्प्ले, हर सीट में USB पोर्ट, आपातकालीन बटन, इमरजेंसी हैमर, अग्निशमन यंत्र एवं रीजनरेशन सिस्टम की सुविधा है। इस अवसर पर सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री हरवंश कपूर, श्री विनोद चमोली, श्री गणेश जोशी एवं CEO स्मार्ट सिटी जिला अधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।